हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के प्रवीण नाहटा सहित दो युवकों की सूरत की नापीत नदी में डूबने से मौत। सूरत सहित देश भर में बाड़मेर जैन समाज में शोक की लहर। परिजन शव लेकर पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में जुड़े। यहां पर्वत पाटिया विस्तार के दो युवकों की तापी नदी की गहराई में डूबने से मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्वत पाटिया विस्तार से मगोब क्षेत्र की दर्शन रेजिडेंसी एवं गोदादरा की राधे श्याम सोसाइटी के निवासी दो नवयुवकों की सूरत से लगभग 40 किलोमीटर दूर गलदेश्वर के पास बागेचा महादेव मंदिर के पास तापी नदी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छह मित्र अपने निजी कार से 19 जुलाई को दोपहर लगभग 2 बजे घूमने के उद्देश्य से गतेश्वर के पास बागेचा महादेव मंदिर के पीछे की तरफ चल रही तापी नदी में स्नान आदि करने के उद्देश्य से गए थे। नदी में स्नान करते करते दो युवक पानी में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक दोनों लगभग 60 से 70 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरे। उन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिला और दोनों गहराई में चलते गए। उसके बाद शेष चार युवकों में घबराहट हो गई और वो मंदिर के पुजारी के पास गए और पुजारी ने पुलिस चौकी में जाने को कहा। तब जाकर पुलिस के माध्यम से घर परिवार वालों को रात को दो युवकों के लापता होने की सूचना दी गई। बाड़मेर निवासी प्रवीण नाहटा के लापता होने की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई और जान पहचान के लोग रिश्तेदार दर्शन रेजिडेंसी सोसाइटी में इकट्ठे होने लगे। देर रात तक यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रात होने के कारण पानी में खोज नहीं हो सकी। अगले सुबह 6 बजे पुलिस के जवान और परिजन वहां पहुंचे और गोताखोरों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच सूरत महानगर पालिका की रेस्क्यू टीम भी गोताखोरों के साथ पहुंच गई और खोजबीन में लग गई। दोपहर 12 बजे बाड़मेर निवासी प्रवीण कुमार पुत्र ओम प्रकाश नाहटा का शव मिला, जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। दूसरे युवक पीयूष पुत्र सुजाराम घाची का शव शाम को मिला, जिसे भी पोस्टमार्टम बाद परिजनों को सौंप दिया गया। लगभग 20 वर्षीय प्रवीण नाहटा के निधन की खबर से सूरत के बाड़मेर समाज सहित देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। प्रवीण ओम प्रकाश नाहटा का शव लेकर उनके परिजन बाड़मेर रवाना हो गए हैं, जहां बुधवार को बाड़मेर में प्रवीण का अंतिम संस्कार किया गया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।